कुपोषण को दूर करने को लेकर जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं छत्तीसगढ़ सरकार सफलतापूर्वक काम करने की बात करती है और सुपोषण को लेकर राज्य को देश भर में दूसरे नंबर का अवार्ड मिलता है, लेकिन योजनाएं धरातल पर फेल ही नजर आती हैं। एक गंभीर आंकड़ा कुपोषण का छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ का सामने आ रहा है। डोंगरगढ़ में 4400 बच्चे कुपोषण के शिकार बताए जा रहे हैं। सरकार द्वारा कुपोषित बच्चों के लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, परंतु अगर योजना का धरातल पर क्रियान्वयन हुआ होता तो क्या यह डोंगरगढ़ ब्लॉक में 4400 बच्चे कुपोषण के शिकार मिलते? आंकड़ा इस कदर गंभीर है कि यहां 1700 से अधिक बच्चे मध्यम कुपोषण एवं 250 से अधिक गंभीर रूप से कुपोषित हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्राप्त आंकड़ों की माने तो आप डोंगरगढ़ विकास खंड के भविष्य को अंधकार में मान सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि योजनाओं के बंदरबाट से सरकार की योजना आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। कुपोषण मुक्ति के लिए जहां विकास खंड में परियोजना अधिकारी के साथ NRC की भी व्यवस्था है, परंतु इतने विकराल रूप में फैल चुके कुपोषण को देखकर आप भी मानेंगे कि दोनों ही विभाग अपने अपने दायित्व में फेल साबित हुए हैं। कुपोषण से मुक्ति के लिए सरकार द्वारा तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, परंतु उसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित अधीनस्थ अधिकारी व कर्मचारियों की होती है। ब्लॉक में फैले कुपोषण के दंश की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं संबंधित विभाग की ही है। ब्लॉक में बैठे परियोजना अधिकारी का काम योजना के धरातल पर उतरने की मॉनिटरिंग यानी कि निरीक्षण करने की होती है, जिसकी साफ तौर पर कमी देखने को मिल रही है, जिसके बिना योजनाओं की इतने व्यापक रूप में विफलता संभव नहीं। अगर अधिकारी इस दिशा में चिंतित होते तो इतनी संख्या में बच्चे कुपोषण का शिकार ही नहीं होते। कई सवालों के बीच एक सवाल यह भी उठता है कि आखिर कुपोषण को लेकर अधिकारियों की निष्क्रियता के पीछे अधिकारियों की आखिर मंशा क्या थी? इनका काम आंगनबाड़ी में सर्वे कर सरकार की योजनाओं को अमलीजामा पहचाना होता है। यह एक पुल की तरह काम करते हैं, परियोजना अधिकारी को हर आंगनबाड़ी की रिपोर्ट देते हैं और साथ ही साथ आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं तक जानकारी के साथ साथ फंड पहुंचाने का भी इनका होता है। ऐसे में प्रश्न यह है कि क्या इनके द्वारा समय समय पर अधिकारी की रिपोर्ट नहीं सौंपी गई या फिर फंड का भुगतान नहीं किया गया? योजनाओं को जमीन पर उतरने की पूरी जिम्मेदारी इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ही होती है, परंतु यह कुपोषण के आंकड़े तो इन कार्यकर्ताओं की नाकामी की ओर इशारा कर रहे हैं। लाजमी है कि जब ऊपर के अधिकारी ही सुस्त और भ्रष्टाचार में लिप्त हों तो ये छोटे छोटे कर्मचारी हैं। यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एक भाग है, जिसे पोषण पुनर्वास केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। इस केंद्र में कुपोषित बच्चों को रखकर इलाज किया जाता है, परंतु खेत का विषय तो यह है कि स्वयं डोंगरगढ़ BMO डॉक्टर BP एक का ऐसे प्रभारी हैं, परंतु यहाँ मच्छर अगरबत्ती तक मरीज स्वयं लाता हो तो वहाँ की व्यवस्था का अंदाजा आप लगा ही लीजिए। आज युवा जनता कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नवीन अग्रवाल ने अपने साथियों के साथ आज महामहिम राज्यपाल महोदय एवं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम से ज्ञापन सौंपा गया है। सवाल यह भी उठता है कि आखिर राजनेता इस गंभीर विषय को लेकर गंभीर क्यों नहीं है? बच्चे कल के भविष्य हैं, लेकिन क्या वास्तविकता में नैनिहाल बच्चों को अधिकार से उन्हें वंचित क्यों किया जा रहा है? अगर यही हाल रहा तो वह दिन दूर नहीं जब 4400 से बढ़कर आंकड़ा 4,40,000 तक पहुंच जाएगा। इस खंड में कुपोषण का स्तर इतना बढ़ा हुआ है डोंगरगढ़ में, इसके बारे में बताइए। राजनगर जिला में यूनिसेफ और MCCR जो संस्था है उसमें हम लोग मिलजुल के काम करते हैं और बच्चों का जो अधिकार है उस क्षेत्र में काम करते हैं। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि एक ओर प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हम कुपोषण को लेकर काम करेंगे, वहीं दूसरी ओर यहाँ के मुख्यमंत्री अवार्ड लाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है अवार्ड लाने के बाद भी धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा है। 4400 एक छोटे से ब्लॉक में आंकड़ा एक मायने रखता है। आखिर इन बच्चों के भविष्य का होगा क्या? जी हाँ, तो बड़ी में रोज भिस्ता तो अभी मैंने एकदम पद्दी भी दिखाते कुपोषित थे क्या? मैंने तो एक पहले कहीं भर्ती वर्ती करे करे रहे हैं सर, 15 रोज तक से कर रहे हैं। कहाँ बोली डॉक्टर? वो दवाई दे रहा है सर, अभी चल रहा है दवाई इसका। कांग्रेस के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है, वो किस विषय को लेकर सौंपा गया? इनके द्वारा जो अपने डोंगरगढ़ ब्लॉक में कुपोषण को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है, जो बच्चों के बीच में है उनके द्वारा संख्या दी गई है, उसके हिसाब से कुपोषण की स्थिति ज़्यादा गंभीर है ऐसा उनका कहना है। इसमें जो ज्ञापन आया है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, महामहिम राज्यपाल महोदय को संबंधित है। संबंधित ज्ञापन जो है वो उचित माध्यम से
प्रेषित किया जाएगा और साथ ही ज्ञापन की प्रति जो है संबंधित विभाग को भेजी जाएगी ताकि विभाग अपनी कार्रवाई करे और आवेदक को भी उसकी जानकारी दे। सर क्या ये सही है कि 4400 बच्चे ब्लॉक में कुपोषित हैं? संख्यात्मक आंकड़े आपको CDPO के द्वारा दिए जा सकेंगे, मेरे पास अभी वर्तमान में मैं यहाँ आंकड़ा नहीं लिया हूँ, लेकिन कुपोषण के क्षेत्र में पर्याप्त काम हुआ है। डोंगरगढ़ ब्लॉक का जिला स्तरीय कार्यक्रमों में सम्मान भी किया गया है, तो आप एक बार CDPO से जानकारी लें तो वहाँ से आपको ज़्यादा विस्तृत जानकारी मिलेगी। जो आपने प्रदर्शन किया है ये किसके लिए था? आज युवा जनता कांग्रेस के बने तले कुपोषण के खिलाफ डूंगर एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन दिया गया है। छत्तीसगढ़ में किसी की भी सरकार हो कुपोषण के खिलाफ बातें सब करती है, लेकिन धरातल में जमीनी स्तर पे इसका कोई दिखता नहीं है। डूंगर ब्लॉक की बात ले लो, यहाँ पे 16000 बच्चे में 4400 बच्चे कुपोषण की शिकार है। ये आंकड़ा हमारा नहीं है, ये आंकड़ा कुछ शासन का है। विकास के नाम पर यहाँ पे बच्चों के नाम पर विभाग के द्वारा करोड़ों रुपये आते हैं, लेकिन आज कुपोषित बच्चों को कम होने के बजाय आज कुपोषण के बच्चे बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ के अधिकारी हैं जो बड़े बड़े आवाज़ ऊपर से ले लेके आते हैं। तो आज युवा जनता कांग्रेस के कुपोषण की समस्या को लेकर ज्ञापन दिया गया है, अगर हमारी समस्या दूर नहीं की गई तो इससे बड़ा आंदोलन हमारे बड़े तरह किया जाएगा, जिसकी जवाबदेही संपूर्ण जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। बच्चे कुपोषित हैं और इसको लेकर आपका क्या विचार? कुपोषण में वास्तव में इसके विषय में यदि किसी ने चिंता किया तो पूरे देश में सभी प्रांतों में और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी वहीं से शुरुआत हुई कुपोषण दूर हो और पौष्टिक पदार्थ, पौष्टिक सामग्री, पौष्टिक भोज्य सबको मिले, इसकी चिंता भी भाजपा ने ही की। और उसी की एक आप सबको मालूम होता है कि जंगल के वनवासी लोग तो जो अंदर रहने वाले हैं वो तो तेंदू खा करके पिकरी खा करके रह जाते थे, किंतु सरकार आने के बाद ये जो अंत्योदय की शुरुआत हुई क्या है, चावल देने की शुरुआत हुई क्या है, कंदमूल फल खा के रह जाते थे, एक जून खाने को रहा दूसरे जून नहीं रहा, उसकी भी चिंता हमारी सरकार ने की। और दीनदयाल जी की धारणा यही थी कि चाहे बच्चे हो, महिला हो, पुरुष हो, सभी पुष्ट हो, इसके लिए चिंता भाजपा ने ही। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।